दोस्तों पिछले 3 दिनों से लगातार मेरे कमेंट बॉक्स में लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं निकिता तोमर के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों आजकल ऐसी चीज़ों पर मैं इसलिए वीडियोस नहीं बना रहा क्योंकि मैं जानता हूं चाहे कोई भी कितनी भी आवाज़ उठा ले, ऐसी चीज़ों पर कभी भी कोई सख्त कानून बनने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी का कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं चाहता कि ऐसे हादसे रुक जाए, क्योंकि भारत के पॉलिटिशियंस का धंधा इन्हीं हादसों से चलता है। मिसाल के तौर पे आज निकिता के साथ ये हुआ, तो पॉलिटिशियंस के पास ये मौका है कि इसे लव जिहाद का नाम देकर हिंदू खतरे में है बोलकर हिंदू भाइयों के वोट्स पा सकते हैं। जब तबरेज अंसारी का हादसा हुआ तब मुस्लिम खतरे में है बोलकर मुस्लिम वोट्स पाने का चांस था। तो चाहे मुस्लिम पॉलिटिशियन हो या हिंदू पॉलिटिशियन हो, कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहता कि ये हादसे रुक जाए, क्योंकि इन्हीं हादसों की वजह से ही उनका पॉलिटिक्स चलता है। इसीलिए कोई भी पार्टी इस पर कोई सख्त कानून लाना नहीं चाहती। जब तक हम आम जनता पॉलिटिशियंस को इन मुद्दों पर वोट करना बंद कर देंगे, धर्म के नाम पर या धर्म खतरे में है के नाम पर जब तक हम वोट करना बंद नहीं करते, तब तक पॉलिटिशियंस ऐसे हादसे होने देते रहेंगे, क्योंकि भारत का पूरा पॉलिटिक्स अब धर्म पर ही डिपेंड है। इसीलिए आप कितना भी ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठा लो, सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही फायदा होने वाला है। आज अगर आप निकिता के लिए आवाज़ उठाएंगे तो हिंदू पॉलिटिशियंस को फायदा होगा, तबरेज अंसारी के लिए आवाज़ उठाएंगे तो मुस्लिम पॉलिटिशियंस को फायदा होगा। यानी कुल मिलाकर इसमें सिर्फ फायदा पॉलिटिशियंस का ही है, आम जनता के साथ ये हादसे होते ही रहेंगे। जब तक इन हादसों के नाम पर हम पॉलिटिशियंस को वोट करना बंद नहीं करते, तब तक पॉलिटिशियंस ये हादसे होने देते रहेंगे और इस पर कोई भी कानून नहीं लाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।